हेलो, नमस्ते। चलिए फिर चलते हैं गोवा। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रही कि हम दोबारा गए थे। आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए थे और सेकंड एपिसोड ड्यू था। साउथ गोवा जाते हुए थार हायर की। गोवा में थार हायर करने से पहले मेरे बेटे की फेवरेट कार थी वो, लेकिन गोवा में चलाने के बाद नो 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 नो, ए बिग नो फॉर थार। क्वेरियम बीच, सेक्लूडेड, पीसफुल, लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ वाइट सैंड। क्वेरियम बीच की ये गुफाएं हाई टाइड आने पर पानी में सबमर्ज हो जाती हैं। ऑलमोस्ट पूरा दिन क्वेरियम बीच पे बिताया। सन बेदिंग, गरम गरम मैगी के मजे, आरवेलम वाटरफॉल्स। बेस्ट टाइम मानसून में जाइए, हर तरफ से पानी झरझर करके बहता है। वहीं पास में एक छोटी सी शॉप है जो आपको फ्रेश फ्रूट्स देती है काटकर, आपको चाय पिलाती है, आपको गन्ने का रस पिलाती है। एंजॉय द लॉट। बेताल बाटम बीच, ग्लोइंग बीच इन गोवा। आर ग्रैंडसन एंजॉयड दिस बीच ए लॉट। रेत पर अपना नाम लिखा, छोटे छोटे लाइव सी क्रीचर्स देखे जो उसके लिए एक वंडर था। मस्त स्कूटी राइड्स। इसके अलावा हम गए आरंबोल बीच, वेगाटोर बीच, पालोलिम एंड बेतुल बीच। आप जब जब गोवा जाते हैं, वहां का माहौल आपको फुल मस्ती से भर देता है और आप रिजुविनेट होकर आते हैं। जैसा कि हम लोग सभी फूडी हैं, हम सब ने सी फूड बहुत एंजॉय किया। हम कार्तिक जी से मिले फ्रेश लॉबस्टर रेस्टोरेंट बार में। ओवरऑल गोवा वॉज फुल मस्ती ट्रिप फॉर अस। करते रहो, जितनी बार करने कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। बाय। अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे टिहरी डैम गढ़वाल।